और चार्ट सब देखिए, इस हफ्ते बैंकिंग स्टॉक्स में पहले आप परेशान कर रहे थे, अब शानदार तेजी देखने को इस हफ्ते। अंशुल, जिस तरीके से हमने देखा बाजार में तेजी को लेकर, और मिड कैप के साथ साथ अब लार्ज कैप शेयरों में भी तेजी आ रही है, लोग मिड कैप में तो लोगों का बहुत पैसा बना है, क्या आपकी ये राय है कि तेजी के बाद जब हम रिकॉर्ड हाई पर ट्रेड कर रहे हैं, कुछ पैसा मिड कैप स्मॉल कैप से अगर प्रॉफिट हो रहा है तो बुक करके, कई सारे लार्ज कैप स्टॉक्स हैं जिसमें जाया जा सकता है, उस पर मूव कर जाए? नमस्कार मनीष जी, देखिए मंडे को जब ईटी नाउ पे मैं आया था तब भी मैंने कहा था कि यहाँ पे मोमेंटम काफी हद तक बचा हुआ है, लेकिन ये वीक का जो लेटर हाफ है हम एक रेंज में स्पेंड करेंगे, और निफ्टी ने 20,850 और 20,970 की रेंज में टाइम स्पेंड किया है 4 दिन का, और उस रेंज के ऊपर आके क्लोज किया है। और बैंक निफ्टी में जो रेंज बनी है 47,250 और 47,218 थी, और नीचे में 46,500 के आसपास, और बैंक निफ्टी भी आखिरी 1 घंटे में अच्छी रैली लेके रेंज के अपर एंड पे क्लोज की है। तो अभी मोमेंटम यहाँ से बचा हुआ है, निफ्टी बहुत आराम से 21,200 पे पहला रेजिस्टेंस लेगा और उसके ऊपर फिर 21,500 पे। तो स्टीम, रैली और मोमेंटम तीनों चीज बची हुई है। हालांकि मिड कैप निफ्टी, जो सिलेक्ट मिड कैप निफ्टी है, वो 10,000 के स्तर पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस कर रही है, 3-4 दिन कंसोलिडेशन के बाद वहां भी वापस से अप मूव आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ब्रॉडली बैंकिंग सेक्टर में अगर लार्ज कैप में रहना है तो बैंकिंग सेक्टर में स्पेशली आईसीआईसीआई बैंक में एक बड़ा ब्रेकआउट दिख रहा है, वीसीपी का पैटर्न है, वहां पे लॉन्ग कर सकते हैं। और मिड कैप स्मॉल कैप में अगर आपके शेयर्स प्रॉफिट में है तो जरूर बने रहना चाहिए, लेकिन अगर रिकॉर्ड हाई पे भी शेयर्स अगर लॉस में है तो फिर आप अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स में है, उनसे निकल के आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स में आपको एंटर करना चाहिए, जिसमें एक स्टॉक मेरे को लग रहा है IFCI, इसमें VCP का पैटर्न है और ब्रेकआउट जो आया था वो लगभग 400% की वॉल्यूम राइज थी 50-डे मूविंग एवरेज के अगेंस्ट। 27 के आसपास इसकी बाइंग रहेगी, 25.5 का स्टॉप लॉस और 32.5 का टारगेट। तो ये दोनों लार्ज कैप में ICICI और मिड कैप में IFCI, ये दोनों आउट परफॉर्म कर रहे हैं, तो पैसा अगर यहाँ इन्वेस्ट करते हैं तो रिटर्न ऑन कैपिटल काफी अच्छा आएगा। IFCI मुझे उम्मीद